हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरआरबी टाइमलाइन पे। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे में नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से सांसद में बताया गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आदेश दी गई है कि रेलवे में फिर से बम्पर भर्ती कराने के लिए आदेश जारी कर दी गई है। उसके साथ साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है कि जो रेलवे में 9000 वैकेंसी आने वाला है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, यानी कि आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का, उनमें से 50% दोस्तों महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में जो 9000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है उनमें से 50% आपका महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। दोस्तों, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद में जो कुछ भी कहा है, हम आपको पूरा का पूरा आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो रेल मंत्री ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके बताया है। तो उसके साथ साथ दोस्तों ये भी हम आपको बताएंगे, उन्होंने कहा है कि एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में लगभग 56,000 रेलवे एम्प्लॉय ने रिटायर होने वाला है। उसके साथ साथ 2020 में लगभग 46,000 रेलवे का एम्प्लॉय ने रिटायर होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2019 से लेकर 2020 वर्षों में फिर से रेलवे में 1,00,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी जारी होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, 2018 में रेलवे ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी जारी किया था लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए। उसके बाद 2019 में फिर से एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जारी की गई है, वो भी 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए। लेकिन दोस्तों, फिर से यहाँ पे बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है रेलवे की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी की तरफ से। उन्होंने ये बताया रहा है कि फिर से रेलवे में बम्पर भर्ती आने वाला है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आदेश दी जारी गई है कि रेलवे में फिर से वैकेंसी जारी की जाए। तो दोस्तों, जो भी न्यूज़ में रिपोर्ट दी गई है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो क्लिप दिखाएंगे जहाँ पे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके बताया था सांसद में कि अभी जो वैकेंसी आएगा 9000 वैकेंसी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, उनमें से 50% जो है और महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जो ट्वीट किया है हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। वो आपके मैं आपको लेके चलता हूँ उसके ट्विटर हैंडल के ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ पर जाके मैं आपको उसका पूरा ट्वीट दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस ट्वीट पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी पीयूष गोयल जी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है आप देख सकते हैं, यह है पीयूष गोयल जी, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मैं आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा कि पीयूष गोयल जी ने सांसद में जो भी कहा है। चलिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लगभग 9000 पदों के लिए जो भर्ती की जाएगी उनमें 50% महिलाओं के लिए की जाएगी। चलिए, मैं आपको ये वीडियो पूरा क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पे रेल मंत्री ने खुद कहा है आपका सांसद में। चलिए, मैं आपको ये वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। सुनकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि अब जो लगभग 9000 लोग और हम रिक्रूट कर रहे हैं उसमें हम लेडी कांस्टेबल्स के लिए रिजर्वेशन रख के फोकस एफर्ट करें कि ज्यादा मात्रा में लेडी कांस्टेबल्स आए। माननीय सांसद जी को खुशी होगी सुनकर कि लगभग जो 9000 और पद अब आ रहे हैं कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स में, उसमें 4,500 यानी लगभग 50% महिलाओं को ही लिया जाएगा, ये सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखा है यहाँ पे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने सांसद में ये कहा है कि जो 9000 वैकेंसी आने वाला है रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए, उनमें से 50% आपका महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पीयूष गोयल जी की तरफ से सांसद में बताया गया है, यानी कि जो भी वैकेंसी आएगा आप रेलवे में, उनमें से महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी अपडेट आया था हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से, मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसी के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।